माशाल्लाह आज हम जो आपके लिए घर लेके हैं, आप देखें कि बेहतरीन कंस्ट्रक्शन का घर है। ये घर इतना ज्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप देखें स्टार्टिंग के ऊपर आपको यहाँ पे फाउंटेन मिलता है और बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है। इसमें आपको आर्टिफिशियल ग्रास वर्क मिलता है। आप इस घर को प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम लोन के जरिए भी ले सकते हैं। यही नहीं, आपको थोड़ा सा अंदर से रिव्यू करवा देता हूँ। आप देखें जैसे ही आप अंदर आते हैं तो घर की खूबसूरती देखें। यहाँ पे आपको फिश पाउंड मिलता है, आप इधर अपनी फिशेज वगैरह रख सकते हैं। और माशाल्लाह आप देखें कितना जबरदस्त लुक इसकी आएगी। जब आपके गेस्ट आएंगे तो कहेंगे माशाल्लाह, देख के सुभान अल्लाह भी बोलेंगे। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम लोन से किस तरह घर ले सकते हैं आपको मुकम्मल वीडियो में डिटेल दी जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज हम आपके लिए 4.5 मरला का एक बहुत ही मुनफरद डिज़ाइन का घर लेके आए हैं। यहाँ पे हमारे पास ड्यूप्लेक्स हाउसेज हैं, आप देख सकते हैं जुड़वा घर है, दोनों सेम एक जैसे हैं। आपके लिए जो घर लेके आए हैं ये अंदर से और बाहर से दोनों बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर है इसका, और एक्सटीरियर भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। वीडियो रात के टाइम बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं फिर भी इसकी जो लाइटिंग है बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई है। अगर लोकेशन की बात करें तो इसकी जो लोकेशन है अली पार्क में ये घर मौजूद है। अली पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो है ये बट्टा चौक के करीब बिल्कुल लगती है, और अगर हम देखें तो एयरपोर्ट से सिर्फ 4-5 मिनट की ड्राइव है। आप एयरपोर्ट से 4-5 मिनट में इस सोसाइटी के अंदर आ सकते हैं। आपको घर का फ्रंट मैं पहले दिखा देता हूं। आप देखें स्टार्टिंग के ऊपर निशन बनी है, बड़ा जबरदस्त यहां पर लाइट का वर्क किया हुआ है, और इसी तरह से आपको यहां पे ग्रीन एरिया मिल जाता है। इसके अगर गेट की बात करें तो घर का गेट भी बड़ा खूबसूरत तरीन बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीन गेट बनाया गया है। गैस यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर तीनों कनेक्शन है। ये सोसाइटी ऑलमोस्ट पैक्ड है, यहाँ पे चंद ही की ऑप्शंस आती हैं। और आप देखें यहाँ पे आपको बड़ी गाड़ी का गैराज मिलता है, XLi, GLi, फॉर्च्यूनर इजीली आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फाउंटेन मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये फाउंटेन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हमें मिल रहा है। डिस्प्ले बहुत जबरदस्त है। जैसे ही आप यहाँ आपके गेस्ट कल को घर के अंदर आएंगे तो आपको एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरती का एहसास मिलेगा यहाँ पे। तो आप देखें आर्टिफिशियल ग्रास वर्क भी यहाँ पे किया गया है, और इसकी जो स्टेयर्स हैं वो गैराज में से दी गई हैं। ब्लैक ग्रीन एंड मार्बल स्टेयर्स पे लगा हुआ है। बहुत ही रीजनेबल डिमांड का घर है। आप इसको प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम लोन के जरिए भी ले सकते हैं, और बहुत रीजनेबल डिमांड का घर आज आपके लिए लेके आए हैं। अगर हम सीलिंग की बात करें तो इसकी सीलिंग भी बहुत खूबसूरत की गई है। तो राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको निश मिलती है। ऑनर ने इस निश को खाली छोड़ा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे वॉलपेपर लगा सकते हैं। और आप देखें टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम की विंडो भी रखी गई है वेंटिलेशन के लिए। जैसे ही आपको मेन से गैराज से अंदर लेके चलता हूँ टीवी लॉन्च के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 8 फीट हाइट के ऊपर डोर मिलता है, और डोर बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया गया है। ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, मोज़ेक का काम किया हुआ है। और इसकी जो लॉबी है इसकी आप सीलिंग देख सकते हैं, खूबसूरत सीलिंग है, ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल स्टार्टिंग पे, और फिर टाइल्स मिलती है। जैसे ही आपको घर के अंदर लेके आते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे आपको फिश पाउंड मिलता है। ये फिश पाउंड है, और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है। और जैसे ही आप इसके अंदर अपनी फिश वगैरह छोड़ेंगे तो माशाल्लाह इसकी एक अलग ही लुक होगी। ये आपके टीवी लॉन्च के अंदर डिजाइन किया गया है। टीवी लॉन्च की अगर बात करें तो यहाँ पे लकड़ी का काम कंप्लीट किया गया है। 2x2 की यहाँ पे आपको टाइल फ्लोरिंग मिल रही है, और जैसे ही अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे 3D वर्क मिलता है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह इसकी सीलिंग भी बड़ी खूबसूरत की गई है, बेहतरीन सीलिंग है लकड़ी का। आप देख सकते हैं कि कट वर्क का काम इस सीलिंग के अंदर किया गया है। और इस साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है, ड्राइंग रूम का डोर भी सेपरेट है। और आपका वैसे टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम इकट्ठे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगा के इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो रोपलाइट इसमें इंस्टॉल्ड है। ड्राइंग रूम की सीलिंग बिल्कुल सिंपल और यूनिक सी रखी गई है। घर के जो डोर्स हैं सेमी सॉलिड वुडन के डोर्स रखे गए हैं। कंस्ट्रक्शन में जरा सा भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी की गई है। आप वॉल्स देख सकते हैं, 9 इंच की वॉल्स है, और बहुत ही यहाँ पे खूबसूरती का एहसास मिलता है।
ऑनर ने एक पेन लेके इस घर को बनाया है कि अपना घर समझ के इसको डिजाइन किया हुआ है। आप देखें इधर से जब हम बेडरूम की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे वॉलपेपर का काम मिलता है और यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है। अच्छा, अब हम किचन की अगर बात करते हैं तो आप देखें यूवी की शीट लगी हुई है, ये सुपर हाई ग्लो शीट है जो इसमें इंस्टॉल की गई है और इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड पे बात करें तो एक्स्ट्रा डर्टी किचन भी आपको इसी में इंस्टॉल्ड मिल रहा है, आपको डबल किचन मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि डर्टी किचन इसके अंदर इंस्टॉल्ड किया गया है और इस साइड पे हमारा जो है कुकिंग वगैरह का एरिया आ जाता है। और इस साइड पे अगर हम हुड की बात करें तो यहाँ पे हमें टच में अडीन का हुड मिल जाता है। अडीन आपको पता है कि एक बहुत अच्छा ब्रांड है और ये जरा मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। आप देखें जी इसकी लाइट्स, ये बड़ा बेहतरीन कॉस्टली वाला हुड लगा हुआ है। अगर इस साइड पे हम देखें तो विंडो दी गई है, वेंटिलेशन के लिए एरिया आपको मिल जाता है। अब आपको बेडरूम के अंदर लेके चलते हैं, 4.5 मरला का ये खूबसूरत गैराज आपके लिए लेके आए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा एक खूबसूरत मोटिव इंस्टॉल किया गया है। इधर से अगर हम बाइक का थोड़ा सा व्यू करें तो पूरा घर आपको जगमगाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन में विंडोज भी मिल जाती हैं, वार्डरोब्स भी मिल जाती हैं। सॉरी, तो ये वार्डरोब्स है, आप देखें सीलिंग हाइट तक वार्डरोब्स को इंस्टॉल किया गया है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सीलिंग जो है वो सिंपल और यूनिक सीलिंग मिलती है और ये आपकी जो वेंटिलेशन छोड़ी हुई है वो आपको मिल जाती है इधर। तो अगर हम वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम जो है इसका बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। इसमें जो वेंटी इंस्टॉल की गई है, वेंटी बहुत ही खूबसूरत इंस्टॉल की गई है। आप देख सकते हैं इसकी वेंटी और टाइल फ्लोरिंग जो है ये 5 फुट हाइट तक की गई है और कमोड की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो हमारे पास ये वाला घर जो है ये सेल हो चुका है और जो 7 वाला घर है वो अवेलेबल है, इसकी आज ही डील हुई है तो ये घर इस टाइम अवेलेबल नहीं है। 7 वाला घर अवेलेबल है, 7 वाले घर का जो पेंट है वो हो रहा है, बाकी सेम टू सेम एज इट इज घर बना हुआ है, कोई फर्क नहीं है, ऑल टू ऑल चीजें सेम है। आप देखें कि यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे आपको पोर्टरूम की ऑप्शन भी मिल जाती है और ये जो माशाल्लाह यहाँ पे फाउंटेन लगाया गया है ये बहुत ही जबरदस्त लुक दे रहा है माशाल्लाह। तो अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेकर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाते हैं। और आप देखें जैसे ही हम स्टेज से ऊपर चलते हैं तो आपको स्टेज की खूबसूरती एक अलग ही मिलती है, बड़ी प्यारी खूबसूरती मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीलिंग वर्क किया गया है, स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई गई है और घर को सिक्योर बनाया गया। सामने अगर आप जाएं तो ग्रिल्स लगा सकते हैं, ऑनर ने नहीं लगाई। तो आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो ये देखें जी यहाँ पे टीवी लॉन्च एरिया मिल जाता है हमें। टीवी लॉन्च एरिया बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया गया है। अगर हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग भी इसकी खूबसूरत की गई है। तो यहाँ पे भी निश बनी हुई है, अभी इस निश में वॉलपेपर लगना बाकी है। ये निश जो है बहुत खूबसूरत डिजाइन की गई है, इसमें ऑनर का कहना है कि वो आपको वॉलपेपर लगा के देंगे। अगर साथ बेडरूम की बात करें तो बेडरूम प्रॉपर साइज में है। यहाँ पे 2x2 की आपको मैपल वुड कलर में टाइल्स मिल जाती हैं, साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाते हैं। वॉशरूम भी खूबसूरत तैयार किया गया है। आप इस घर को प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम लोन के जरिए ले सकते हैं क्योंकि ये घर रजिस्ट्री इंतकाल वाला है। इधर आपको टेरेस मिल जाता है और टेम्पर्ड मिरर की रेलिंग मिल जाती है। आप इस घर को प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम लोन के जरिए ले सकते हैं। जिन लोगों के लोन की अप्रूवल हो गई है या कोई करवाना चाह रहा है वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये ऊपर का किचन आप देखें, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का किचन भी खूबसूरत बनाया गया है और बेहतरीन काम किया गया है इसका। इसकी सीलिंग भी आपको दिखा देते हैं और यहाँ पे आपको एक स्टोर की ऑप्शन भी मिल जाती है, आप अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ये आपको फ्रिज का पॉइंट मिल जाता है, आप इधर अपनी फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। आपको लास्ट बेडरूम का विजिट करवा देते हैं इस घर के, इसकी खूबसूरती दिखा देते हैं। ये जी आप देखें 3 सेक्शन में आपको वार्डरोब्स मिल रही हैं, इसकी सीलिंग जो है वो खूबसूरत की गई है और लाइट्स इसमें लगी हुई हैं। इसी तरह से आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। जो वॉशरूम है इसमें वेंटी आप देख सकते हैं कि खूबसूरत वेंटी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सीट की ऑप्शन दी गई है और ये जी आपको यहाँ पे टैब मिल जाता है। माशाल्लाह ऑनर ने घर बनाने में किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं की
और अगर हम यहाँ पे प्लॉट की बात करें तो जो प्लॉट है उसकी जो कीमत है कम से कम 16 से 17 लाख रुपए फी मरला यहाँ पे प्लॉट की कीमत है। तो ये रजिस्ट्री इंतकाल वाला घर है। अगर हम इस घर की प्राइस की बात करें तो इस घर की जो प्राइस है वो आपको मिल जाती है 1 करोड़ 35 लाख। 1 करोड़ 35 लाख इस घर की डिमांड है। टोकन के ऊपर निगोशिएबल है। अगर आप इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं कि एयरपोर्ट से बिल्कुल नियरेस्ट है, यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट बिल्कुल नियरेस्ट है। 30 फीट वाइड रोड है और कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ऑल टू ऑल फैसिलिटीज़ हैं। और बट्टा चौक यहाँ से बिल्कुल नियरेस्ट है, कैंट नियरेस्ट है, DH नियरेस्ट है और सारी फैसिलिटीज़ आपको नियरेस्ट मिल रही हैं। छत पे अंधेरा है इसलिए छत का अच्छे से विजिट नहीं हो सकता। आपको फ्रंट पे भी छत मिल रही है, बैक पे भी, सेंटर में आपको शोरूम मिल रहा है। तो नाजिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। 1 करोड़ 35 लाख इस घर की डिमांड है। 4.5 मंजिले का घर है और सुपर लोकेशन के ऊपर है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।